हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पदाधिकारियों ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। इस दौरान कई पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव भी रखे। लोकसभा समन्वयक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटी हुई है और चुनाव तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। साथ ही घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर कर आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया जाएगा। देखिए, हम जो हमारा संगठन है उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास कर किया जा रहा है। कैंडिडेट की कुंजवाल जो नैनीताल लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और दिल्ली में उनको बनाया गया था सारे कोऑर्डिनेटर्स को और वहाँ पे वॉर रूम में पूरी तैयारी के साथ किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी और हर 10 बूथ पे एक मंडलम बनाया गया और उस पर एक प्रभारी भी देना है ताकि दो लोग 10 बूथ की जिम्मेदारी लेकर मॉनिटरिंग भी करें और जितने पदाधिकारी जैसे जिला कार्यकारिणी के 150 पदाधिकारी हैं नैनीताल जिले, तो वो 150 के 150 लोग अपने अपने जो बूथ हैं और जो उनके आस पास के लोग हैं वहाँ पर वो मंडलम प्रभारी बने या मंडलम बने। और साथ ही साथ ये जो व्यवस्था है ये कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव में बड़ी कारगर साबित हुई, इसलिए रणनीति के साथ कांग्रेस आगे रहेगी और इस बारी बड़ी जो हमारी नीति रहेगी चुनाव वो बूथ स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करेगी। उसी संदर्भ में ये बैठक है, कैंडिडेट कोई भी हो उसे एक सिस्टम तैयार यहाँ पे मिलेगा जिससे कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार की जो प्रणाली है वो आज से ही शुरू कर, कैंडिडेट जो भी आएगा उसे एक तैयारी मिलेगी लोकसभा चुनाव में इससे मजबूत होगी।